वेलकम टू फरारी वर्ल्ड, लेट्स गो टू फॉर्मूला रोसा, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रोलर कोस्टर। मुझे तो लगा कि आज मेरा सर है ना वो निकल ही जाएगा राइड से। बेस्ट राइड है, मतलब इसमें क्या होता है, वो मिशन फरारी है, वो आपको एज एजेंट ले जाता है और फिर वहाँ पे अलग अलग मिशन वहाँ पे होता है। डायरेक्ट वो सीधा 90 डिग्री ऊपर, वो जो अभी गाड़ी आई ना वो ऊपर लेके जाते हैं, 90 डिग्री तक ऊपर रखते हैं और फिर लेके आते हैं वापस। बेस्ट। ये 2010 में ओपन हुआ था और 2007 में बनना शुरू हुआ था, 3 इयर्स लगे थे उसको बनने में। फाइनली रीच्ड WW। मॉर्निंग एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे जब से UAE में आई हूँ तब से मुझे वहाँ पे जाने का इंतज़ार था। दिस इज़ माई सेकेंड और थर्ड विजिट और मैं अभी तक नहीं जा पाई थी वहाँ पर, बट आज मैं जा रही हूँ वहाँ पर। को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं आज कहाँ पर जाने वाली हूँ। यस, मैं फरारी वर्ल्ड जा रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। अभी मॉर्निंग के 8:30 हुए है और मैंने रूम पे ही ब्रेकफास्ट कर लिया था, जो दोपहर को खाने के लिए लूँगी यहाँ पे सुपरमार्केट से और फिर चलते हैं फरारी वर्ल्ड, शाम को वापस आएंगे, ऐसा पूरा प्लान है। तो ये है साफा एक्सप्रेस सुपरमार्केट, तो यहाँ से पहले कुछ ले लेते हैं और फिर चलते हैं। काफ़ी सही है, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर और थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, 50 रुपीज़ का होगा डिफरेंस इंडिया से कंपेयर टू यहाँ पर। गुड। मुझे अभी तक दुबई से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है अबू धाबी। अगर मुझे सेटल होना है UAE में तो मैं अबू धाबी में सेटल होंगी। कल मैं गई थी शेखजादे मॉस्क, वो पूरा एरिया देखा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करते हैं, वो हमेशा जो कार्स होती है ना वो जो वॉक करके जाते हैं ना उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। इसे मैंने बताया कि मेरी ये कार्ड में बैलेंस ख़त्म हो गई है, 0 बैलेंस है अभी। कल ही मैंने टॉपअप करवाया था 1080 का, बट वो ख़त्म हो गया, बहुत ही ज़्यादा आना जाना हुआ ना इसकी वजह से। अभी मैं एक पर्सन से पूछ रही थी कि तो 0 हो गया तो मैं क्या करूँ, तो उन्होंने बोला कि ऑनलाइन मोबाइल से भी आप कर सकते हो एप्लीकेशन से, और जो ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन से करते हो ना तो ये वाला नंबर है यहाँ पर, ये वाला नंबर लास्ट में नीचे वो एंटर करना होता है। मुझे एक और वजह से अबू धाबी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे लेस क्राउडेड है, आप देख सकते हो ये सब खाली है। अगर आप दुबई में सेम जाओगे तो अभी मॉर्निंग में भी हर जगह पर फुल ही होगा, अब खाली जगह बहुत ही कम मिलेगी और सब कुछ इजीली एक्सेसिबल भी है यहाँ पर, सब नज़दीक है, ऐसा नहीं दुबई की तरह सब कुछ दूर। ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ का। और ऐसे जो ये अभी देख रहे हो बस स्टॉप, ऐसे के बस स्टॉप के अंदर हर जगह पे ऐसे कॉर्नर में होता है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। और ये मैंने परमानेंट कार्ड लिया था, वो अप्रॉक्स 1180 का आया था और ये 5 इयर्स तक वैलिड होता है। आपको अगर वो नहीं लेना है, आपको अगर है कि आप वन टाइम ही विजिट करने के लिए आए हो, तो आप टूरिस्ट कार्ड भी ले सकते हो, वो 30 डेज़ के लिए होता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सिर्फ टॉपअप ही करना होता है। वो 1180 का जो मैंने स्पेंड किया है वो आपको करने की ज़रूरत है नहीं। अबू धाबी इज़ मोर पीसफुल एंड ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पे हर जगह पे इजीली अवेलेबल है। वेलकम टू फरारी वर्ल्ड। You can't believe I am in Ferrari world. और यहाँ पे इन लोगों ने मैप भी दिया है, या इंफॉर्मेशन काउंटर है, वहाँ से आप फरारी वर्ल्ड का मैप भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स गो टू फॉर्मूला रोसा, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रोलर कोस्टर। सबसे पहले जो फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है वहाँ पे मैं अभी आई हूँ। Every day, late at night, not okay, all I want, and I pray,
All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. स्टार्ट होती है ना राइड तो इतना जोर से झटका लगता है ना, मुझे तो लगा कि आज मेरा सर है ना वो निकल ही जाएगा राइड से. बट उसके बाद फिर बैलेंस हो गया. तो ये अपने आप में अलग ही दुनिया है. माय गॉड, क्या क्या है यहाँ पर. यहाँ पे कैफे है और फ्लाइंग ओवर इटली. ये है जूनियर फॉर्मूला 1 रेसर राइड और अभी मैं इससे पहले गई थी वो बिग वन थी. बहुत सारी राइड्स हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा. ये एक और गेम है जिसके लिए मैं वेट कर रही थी टर्बो ट्रैक करके है. उसकी कार आगे ना तो दिखाऊंगी आपको. वाओ, फरारी में बैठने का एक्सपीरियंस करो. टर्बो ट्रैक में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया. डायरेक्ट वो सीधा 90 डिग्री ऊपर, वो जो अभी गाड़ी गई ना वो ऊपर लेके जाते हैं, 90 डिग्री तक ऊपर रखते हैं और फिर लेके आते हैं वापस. बेस्ट, मतलब क्रेजी एकदम. अभी मैं यहाँ पर जा रही हूँ, ये पूरा टूर होगा इन द फरारी कार. ये अभी इटालियन जोन है. बनाया ये 2010 में ओपन हुआ था और 2007 में बनना शुरू हुआ था. 3 इयर्स लगे थे उसको बनने में. यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए, चिल्ड्रंस के लिए राइड्स है बहुत सारी, फैमिलीज के लिए भी राइड्स है. एंड थीम पार्क का जो एक्सपीरियंस होता है ना, जिप लाइन और स्काई वॉक, वो सब भी है यहाँ पर. अभी मैं टनल में जा रही हूँ, ऐसी टनल है. टनल में जाना और वहाँ से बाहर निकलना ना, वही बेस्ट एक्सपीरियंस है, बेस्ट राइड है. मतलब इसमें क्या होता है, वो मिशन फरारी है, वो आपको एज ए एजेंट ले जाते हैं और फिर वहाँ पे अलग अलग मिशन वहाँ पे होता है. पर आपको तो बैठना है, सिर्फ देखना है कि आप मिशन कर रहे हो ऐसा. बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग राइड थी. सबसे बेस्ट मुझे ये लगी फॉर्मूला F1 के बाद. वो जैसे टर्न लेते हैं, 360 घुमाते हैं, बेस्ट है. और यहाँ पे जो जिप लाइन एंड स्काई वॉक है वो मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन बंद रहता है. वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ओपन रहता है. तो अगर आपको स्काई वॉक है ना, जिप लाइन भी करनी है, तो आपको 2 दिन में आना, मंडे मत आना. ये फरारी एंड फॉर्मूला रेस की कार है, वो रियल है यहाँ पर लगाई हुई. और ये सभी फरारी रखी है और इसके जो ड्राइवर चैंपियन थे उसकी यहाँ पर हिस्ट्री लिखी है कि इन्होंने ये ड्राइव की थी, कब ड्राइव की थी, वो सब यहाँ पर लिख के रखा है. सभी फरारी है, 1, 2, 3, 4 and 5 फरारी यहाँ पर रखी है. सभी राइड में अभी तक 2-2 बार बैठ चुकी हूँ. और अब ये फॉर्मूला रोसा है, वहाँ पर सिर्फ एक ही बार बैठी थी, तो अभी वापस जा रही हूँ उसमें. और फ़ोन एंड कैमरा वो अलाउड नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ही झटके देती है एंड बहुत ही ज़्यादा फास्ट ड्राइव होती है उसमें. एंड स्पेशली 360 कोई कोई राइड्स 360 भी वो घुमाता है. इसलिए आज मैं सभी राइड्स में 2-2 बार बैठी हूँ कि पब्लिक कम था. आज मंडे है इसलिए. फाइनली रीच्ड डब्ल्यू ब्रिज. Oh,
वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो